मेरे हाथ से चाबी स्लिप हो गई। स्लिप होते ही इस वाले छेद में से चाबी ना नीचे गई। सो ये है बड़ी वाली दुल्हन। सो गाइस दिस इज द वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का आज के न्यू व्लॉग में। कैसे हो आप सब? सो गाइस अभी का सीन ये है, अभी ये मेरे पजामे में डाल रही है नाड़ा, क्योंकि मेरे पजामे का नाड़ा है ना निकल गया इसका। और आज का हमारा प्लान है शादी में जाने का। फिर से आप लोगों को पता ही है कितने सारे शादी का वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, सीजन, शादी का सीजन चल रहा है। तो कल भी मैं शादी में गया था रात को, तो पर मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया। आज फिर से हम लोग शादी में जा रहे हैं, आज हम लोग सभी जा रहे हैं। सो आज शादी में पापा जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, भैया जा रहे हैं, नागिन जा रही है, सब मतलब ऐसे मामा जी जा रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और यहाँ से लगभग है 50 किलोमीटर है, ताला करके है एक गाँव, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। तो आज का व्लॉग देखना नहीं है, चोरी हो जाती घर में। हाँ तो आज का व्लॉग देखना आप लोग, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ मम्मी जो है पापा को खाना खिला रही है, और यहाँ हमारा बाबू मस्त सो रहा है देखो ये। तो उससे पहले अभी का सीन ये है, मेरे को अपनी जो है थोड़ी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी दाढ़ी मूछ बनवानी पड़ेगी, और थोड़े बाल भी जो है सेट करवाने पड़ेंगे। कटवाने? क्यों कटवाने? छोटे करने, गर्मी आ रही है तो सेट कर लेंगे। उसमें क्या है सब सेट ही है, सेट तो हो रही है, कहीं है सेटर में निकल जाएगा ड्यूटी को ना, कटवाओ तो अच्छा लगे छोटे छोटे बाल। मम्मी को मेरे छोटे छोटे बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं, और जबकि मैं मेरा फेस जो है ना बड़े बालों में ज्यादा सही लगता है। डला क्या नाड़ा? डल गया। चलो चलो गाइस नाड़ा डल गया है मेरे पजामे में, पहनते हैं और चलते हैं नाई की दुकान पे। सो गाइस एक्चुअली सीन ये है कि बच्चों के भी स्कूल का टाइम होने वाला है, तो मैं सोचा हूँ पहले बच्चों को स्कूल से ले आऊं, फिर बाद में चल जाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे चला जाऊंगा फिर बच्चों को कौन लाएगा, क्योंकि भैया भी नहीं है घर पे, भैया मार्केट गए, नागिन भी नहीं है, इसलिए मेरे को ही लेके आना पड़ेगा। तो चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। चलो गाइस चलते हैं और बच्चों को लेके आते हैं, टाइम हो गया बच्चों का। चलो भाई बच्चों को तो ले लिया स्कूल से। सो गाइस अभी सैलून पे गया, तो सैलून वाला तो भाई खाना खाने गए, तो मैंने सोचा राजू को यार, तो मैंने सोचा मैं भी खाना खा लेता हूँ, तो खाना खा के फिर चलेंगे। लाओ ले आओ, हम तो सुबह कभी जो बनवाया। तो खाने में है आज सादा भोजन, सादा जीवन। क्या है मम्मी ये? मिर्ची टमाटर मटर। अच्छा मिर्ची टमाटर मटर की सब्जी बनाई मम्मी ने। चलो खाते हैं। और पापा जबरदस्ती कर रहे हैं जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। चलो गाइस खाना खा लिया है, चलते हैं शेविंग करवाने के लिए। सो गाइस यहाँ हो रहा है मेरा हेयर कट, हेयर कट तो ऑलमोस्ट हो गया है, अब बारी है शेविंग की। चलो गाइस डन, कटिंग और शेविंग दोनों डन हो गई है, अब चलते हैं घर पे। भाई लेट हो गए, 3:30 बज गए, पापा ने बोला था 3 बजे तक निकलेंगे, पर अब तो लेट हो गए, पापा डांटेंगे पक्का। चलो घर चलते हैं। तो गाइस अभी का सीन ये है, एक्चुअली मैंने ना शादी में जाने के लिए स्पेशली एक जीन्स मंगाई थी, जो आजकल चल रही है ना बूट कट वाली आती है ना बेल बॉटम, वो वाली मंगवाई थी मैंने, आज आनी थी, बट अभी शादी में जाने का टाइम हो गया और अभी तक डिलीवर नहीं हुई है वो, तो अभी अमेजोन के डिलीवरी बॉय बैठे हैं, इनके पास आया हूँ, इनके पास भी आगे से आई नहीं है, तो जैसे इनके पास आएगी तो ये बोल रहे हैं आने वाली है 5-10 मिनट में, तो उसी का वेट कर रहा हूँ यार। 4:30 बजे हैं, पापा वैसे ही डांट रहे थे, बहुत ज्यादा डांटेंगे। सो गाइस फाइनली रिक्शा आ गया है पार्सल लेके, फटाफट मेरी जीन्स ढूंढनी पड़ेगी इनके अंदर यार, भैया जीन्स निकाल दो मेरी फटाफट। चलो गाइस फाइनली जीन्स मिल गई, चलते घर पे, पापा डांट रहे भयंकर वाला। चलो गाइस मैं तो फटाफट रेडी हो गया हूँ भाई 10 मिनट के अंदर। सो ये है मेरा लुक, बताना कैसा लग रहा हूँ गाइस, पहली बार मैंने कुछ फिर से नया ट्राई किया है, बेल बॉटम पहनी है मैंने जो आजकल चल रही है ट्रेंड में, एंड भैया अपने कोट पैंट पहन के रेडी है। हाँ भाई भैया आज भैया जो है फर्स्ट बार पहली बार जो है ना पूरी फैमिली को बिठाया गाड़ी चलाने वाले हैं, तो भैया कैसा लग रहा है आपको भाई? बेहतरीन लग रहा है। और कुछ आपका मनोभाव? आप अच्छा है, मेरा मनोभाव बढ़िया है, कॉन्फिडेंस में, लोगों के साथ शेयर करना चाहो भाई फीलिंग्स आपकी? अच्छी फीलिंग है मेरी, अच्छा लग रहा है मुझे। क्या कि मैं फैमिली के साथ जा रहा हूं? अच्छा तो मम्मी पहले है ना, मम्मी नहीं जा रही थी और विनी नहीं जा रही थी, बट अभी जो है मम्मी जा रही है और विनी नहीं जा रही, विनी घर पे रह रही है, बाकी हम सब लोग जा रहे हैं, तो भाभी भी रेडी हैं और विनी ने जो है ना सबको रेडी किया है, बट ये नहीं जा रही है बिकॉज बाबू के ठंड लग जाएगी ना, इसलिए नहीं जा नहीं सकती। मम्मी भी रेडी है हमारी एकदम हीरोइन बन के, और हमारे पापा अमिताभ बच्चन भी रेडी हैं। स्मार्ट लग रहे हो पापा आपको। चलो गाइज सारे हम लोग पैक हो गए, पूरी फैमिली कार के अंदर हो गए सेट। चलो चलो भाई लेके भगवान का नाम शुरू करते हैं यात्रा, पहली बार लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं पूरी फैमिली। अभी हमको मामा जी को भी पिक करना है उनके घर से, लोग पूछेंगे मामा जी बैठेंगे कहाँ। सो गाइस दिस इज द वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, क्योंकि आज पहली बार हम लोग पूरी फैमिली, बस विनी नहीं है,
उसका भी आपको रीज़न पता है क्यों नहीं है, बट कोई नहीं, ये भी ऑलमोस्ट फैमिली है, बस विनी की कमी है, बाकी अदरवाइज पूरी फैमिली होती है पूरी गाड़ी के अंदर। और हमारी मम्मी देखो कितनी स्मार्ट लग रही है। हाँ बताना गाइस मम्मी कैसी लग रही है कमेंट करके। आगे बैठे हैं सैम और पापा और भैया जो है हमारे ड्राइव कर रहे हैं। सो अभी गाइस अतरोल पहुंच गए हम लोग और मनोज जी का वेट कर रहे हैं। मनोज जी आ रहे हैं यहीं पे और अभी हम लोग वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं। मैं मनोज जी की गाड़ी में शिफ्ट हो जाऊंगा क्योंकि गाड़ी में हमारी ज्यादा सवारी है ना, इसलिए है ना। तो चलो भाई दूसरी गाड़ी आ गई है, ठीक है आ जा। गाड़ी हमने चेंज कर ली है, मैं और सैम आ गए हैं और हम जाएंगे मनोज जी के साथ में। और मनोज जी जो है यहाँ अपना थोड़ा ग्रूमिंग करवा रहे हैं यहाँ बैठ के कपड़े वगैरह सब गाड़ी में ही चेंज करेंगे। यहीं पे आ गए थे एक्चुअली, साइड पे थे इनकी, पे साइड से डायरेक्ट आ गए। अभी यहाँ से होगा लगभग 5-6 किलोमीटर है बस। सो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, मेरे हाथ से चाबी स्लिप हो गई। स्लिप होते ही इस वाले छेद में से चाबी ना नीचे गई यहाँ पे, तो अब निकाल रहे हैं चाबी को गाड़ी की। देखो ये रही चाबी, निकाल रहे हैं इसको डंडी से। अब आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। शाबाश आ गई बच गए, नहीं तो अभी पैदल जाना पड़ता। सो गाइस मेरे को ना भूख लग गई क्योंकि मैंने सुबह से सिर्फ 2 रोटी खाई है, तो अभी हम लोग आए हैं पतासे खाने के लिए। मनोज जी को भी भूख लग रही है तो हम वहाँ जाके खाना भी तो खाना है, इसलिए थोड़ी थोड़ी खाएंगे 5-5, 10-10 रुपए की बस। तो ये भाई है हमको पतासे खिलाएंगे जो पकड़ोगे। भैया आप तो ठेले पे बैठे हो यार, ठेले पे बैठे हो आप तो। पकड़ हो जाओ भाई तू कहता है। अच्छा ऐसे खिलाते हो क्या पतासे बैठ के? बैठ गए भैया हमारा दिन इधर से उधर हो जाता है। अच्छा चलो। सो गाइस देख लो, पहली बार देखा है मैं तो किसी पताशे वाले को बैठ के पताशे खिलाते हुए। मसाला देखो कितना टेस्टी लग रहा है यार, खिला दो भैया आप तो, भूख लग रही है। प्याज डाल दो इसमें बढ़िया। चलो गाइस पताशे खाते हैं। चलो भाई पताशे खा लिए, अब मनोज जी कपड़े चेंज कर ले बस फिर निकलते हैं फटाफट। सो गाइस मनोज जी ने तो कपड़े चेंज कर लिए हैं, ये देखो ऑल ब्लैक नीचे से लेके ऊपर तक, तो मनोज जी ने ये पहना है। अभी हमारे साथ मोहन जी भी हैं तो वो भी कपड़े चेंज कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। अभी रुके हम लोग ऐसे कपड़े चेंज करने के लिए। और पापा और पहुंच गए वहां पे पहले ही, हम लोग लेट हैं, यहाँ से लगभग 7-7.5 किलोमीटर और बचा हुआ है। हमारे मोहन जी भी रेडी हो गए हैं कपड़े पहन के, ये लोग कपड़े घर से ही लेके आए थे एक्चुअली। चलो चलते हैं अब, इनका सही है यार कमा धमा के फिर आए, हम तो ऐसे आ गए। सो गाइस चलो पहुँच गए हम लोग लड़के वालों के घर पे और यहाँ बैठे हैं सब लोग। अभी का सीन ये है, दो लड़कियों की शादी है तो बड़ी वाली की बारात तो आ गई है बाहर ही है। मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी ना वो बड़ी वाली बारात थी, बट छोटी वाली बारात और पीछे से आ रही है, जो जनवासा देते हैं ना जहाँ पे मतलब बारात को नाश्ता वास्ता करवाते हैं वहाँ से निकल के आ रही है एक्चुअली बारात। अभी पूरी फैमिली ने तो खाना खा लिया है, मैंने नहीं खाया है, मैं बारात के साथ साथ आ रहा था क्योंकि मनोज जी वहीं से आ रहे थे ना, इसीलिए अभी मैं भी खाना वाना खाऊंगा। भूख तो मेरे को भी लग रही है, पर वो मनोज जी बारात से आ जाए फिर मनोज जी के साथ में खाएंगे खाना। 8 बज गए एंड दुल्हन जो है, दुल्हन जी बोलेंगे क्योंकि 2 हैं, वो अभी पार्लर पे ही अपना मेकअप वेकअप करवा रही हैं तो वो अभी तक आए नहीं है। चलो गाइस बारात का सारा डांस खत्म फाइनली। भाई कितना नाचे यार आप लोगों ने देखा होगा,
पूरे भीग चुके हैं पसीने के अंदर। तब मजा आते हैं डांस करने जब कोई साथ वाला हो। हाँ, ऐसे नहीं अकेले 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 ऐसे करे, क्या मतलब है यार। बहुत ही भयंकर नाचे हैं भाई ये तो। बरातियों का जो है स्वागत इस तरीके से किया जा रहा है। टीका लगाएंगे, पैसे देंगे, चलो भाई ये इनकी साथ के साथ विदा कर दिया। अब खाना खाएंगे। खाने में है हमारे पास काफी सारी वैरायटी है, आपको दिखा देता हूँ। रोटी है, पूड़ी है, गाजर का हलवा है, चटनी है, काजू कतली है, नमकीन है, दाल की सब्जी है और एक सब्जी बाकी है अभी। बहुत भयंकर भूख लग रही है, 9 बज गए रात को। चलो भाई खाना भी खा लिया है फाइनली। पेट भरते ही तो ऐसे शांति सी मिली, शरीर को पूछो ही मत। और यहाँ बैठ के पूरी फैमिली की जो है गपशप चल रही है। पापा थक गए, पापा जो है डांट रहे हैं कि चलो 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 लेट हो गए। चलो चलो चलो। सो ये है बड़ी वाली दुल्हन। छोटी वाली कहाँ है? छोटी वाली भी आई नहीं है पार्लर से। ये तो आ गई है, देखो कितनी सुंदर लग रही है। सो ये है छोटी वाली सिस्टर टीना। अब आए हो आप भी अच्छे लग रहे हो। चलो गाइज इट्स टाइम टू गो एंड फाइनली निकल रहे हैं हम लोग। खाना वाना सबने खा लिया है, दुल्हन वगैरह हमने देख ही लिया है। अब जो उनका काम है वो करेंगे, तो हम लोग निकल रहे हैं अब घर के लिए। अरे एक दिन के लिए आओ, चलो सुबह घर शाम आओ, चलो। ये भी जाएगी वो भी जाएगी, नीता भाई ये गाड़ी भी जाएगी वो गाड़ी भी जाएगी। अच्छा चलो बेशक। तो यहाँ जो है गाँव जाने का प्लान बन रहा है। हाँ भाई बैठेंगे कहाँ, अपन डिक्की बैठ जाते हैं। सो गाइस चलो फाइनली घर आ गए भाई। रात के हम लोग को बज गए 11। ये तो आज अकेली थी घर पे। हाँ भाई कैसा लगा आज आपको अकेले? डर लगा। और कैसा लगा? डर लगा, सही बताओ। सही बताने झूठ बोल। अच्छा मूवी देख ली मैंने दो। तो गाइस ये तो घर पे बैठे बैठे नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रही थी। कौन कौन सी देखी? अजय देवगन की थैंक गॉड। अब मेरे को एडिटिंग भी करनी है व्लॉग की। उसी के साथ आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। होप करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मॉर्निंग दे रहे हैं। मॉर्निंग नहीं होती वो, वार्निंग होती है। मॉर्निंग बोला उन्होंने, मॉर्निंग कह रही है। मॉर्निंग sparkle light and see